ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ कुशा खुराक के, कब्ज़ कुशा अशिया के हवाले से। वो तमाम हम फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से कब्ज़ हो सकती है और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से कब्ज़ से शिफा मिल सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है पानी पीना। हम भूल जाते हैं, हमें डिहाइड्रेशन हुई होती है, स्वेटिंग तो हो रही होती है, लेकिन जब हम पानी पीने की बारी आती है तो या तो हम लाल शरबत का इस्तेमाल कर लेते हैं या हम बोतल पी लेते हैं या लीमू पानी भी पी लेते हैं जिसमें चीनी डली होती है। ये तमाम चीज़ें मिलके हमें डिहाइड्रेशन करती हैं। जितना मीठा पानी पियेंगे उतनी आपको डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी। तो डिहाइड्रेशन एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा रीज़न है कब्ज़ हो जाने का। अगला बड़ा फैक्टर आता है हमारी गट में हेल्दी बैक्टीरिया अगर ख़त्म हो जाए, जैसे आपने कोई दवाई ली है या विद एज वो वैसे ही थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से कब्ज़ का मसला शुरू हो जाता है। तीसरा बड़ा फैक्टर आता है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला रहता है। पूरा दिन एक सोफ़े पे बैठ के नहीं गुजारना, पूरा दिन एक बेड पे बैठ के नहीं गुजारना, थोड़ी सी चहल कदमी रखनी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगला बड़ा फैक्टर लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह से भी हो जाती है। अब अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो इसको ठीक कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ आती है, आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, थोड़ी सी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें और होल ग्रेन आइटम्स का इस्तेमाल करें। अब कब्ज़ को ठीक करने के लिए कौन से फूड आइटम्स हैं? सबसे पहले आ जाते हैं होल ग्रेन आइटम्स, यानी कि जो लाल आटा है वो सबसे अच्छा सोर्स है फाइबर का, या ब्राउन राइस हो गए, या जितने हमारे पास दलिए या सीरियल्स वगैरह हैं जो रिफाइंड नहीं है। जैसे सफ़ेद आटा वो रिफाइंड होता है, या जितनी प्रोसेस चीज़ ज़्यादा है उसमें उतना फ़ाइबर कम होता है। तो आपने होल ग्रेन सीरियल्स का इस्तेमाल करना है, होल ग्रेन्स का बेसिकली इस्तेमाल करना है। ब्राउन कलर का आटा या लाल आटा जिसको हम कहते हैं, ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ हमारे पास आती है सैलड। कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, सब्जियां जितनी हैं वो सारी बहुत अच्छी हैं कब्ज़ के लिए, लेकिन हरे पत्ते वाली सब्ज़ी स्पेसिफिकली जैसे बंद गोभी हो गई, स्पेनच हो गई, सलाद के पत्ते हो गए, ये बहुत अच्छे हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। फिर हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट्स में अमरूद बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन जितने बाकी फ्रूट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी है, बेरीज़ भी सारी की सारी बहुत अच्छी हैं, एप्पल बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन फ्रूट को छिलके के साथ अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करें। जो फ्रूट का छिलका होता है वो फाइबर होता है, वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है। और इसी से अगली चीज़ आती है हमारे पास ड्राई फ्रूट, जिसमें इंजीर बहुत अच्छी है। दो इंजीर रात को आधा कप पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठते साथ ही वो इंजीर भी खाएँ और हो सके तो वो पानी भी पिए, ये भी बहुत को हेल्प करेगा कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट। फिर हमारे पास अगली चीज़ जो आती है वो आती है नट्स, पीनट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, ये हेल्दी ऑयल का बहुत अच्छा सोर्स है और ये कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे हैं। दालें भी सारी की सारी, जैसे लोबिया हो गया, चिक पीज हो गए यानी चने की दाल हो गई, या जितनी दालें हैं वो सारी की सारी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अब एक और छोटा सा टोटका, रात को सोने से पहले अगर आप एक दूध के कप के अंदर एक चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल, एक चाय का चम्मच रोगने बादाम यानी आमंड ऑयल और एक चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो ये तीनों ऑयल्स का कॉम्बिनेशन भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है। बॉडी में अगर ड्राइनेस हुई हो तो ये उसको ठीक करने में हेल्प करता है। जितने हमारे पास सीड्स होते हैं, स्पेशली तुख मलंगा और चिया सीड्स यानी तुख में दाऊदी, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर आप तुख मलंगा या चिया सीड्स का इस्तेमाल करें तो आपने कम अज़ कम इनको 30 मिनट्स पानी में सोख करके रखना है, और अगर आप एम्प्टी स्टमक तुख मलंगा या चिया सीड्स ले रहे हैं, एक कप के अंदर एक चाय का चम्मच तुख मलंगा या चिया सीड्स भिगो के रख लें, वो पिए उसके ऊपर से एक कप पानी और पिए ताकि ये स्टमक का पानी एब्जॉर्ब ना करें।
फिर हमारा जो डाइट्री फाइबर जो जिससे हम सब वाकिफ भी हैं वो है इस्पगोल। इस्पगोल बहुत अच्छा होता है कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट, और इस्पगोल के इस्तेमाल का भी बहुत सारे लोग इसका भी इस्तेमाल गलत करते हैं। इसके भी इस्तेमाल का एक तरीका है कि 2 खाने के चम्मच इस्पगोल पानी में डाल कर लें। अगर आप मुँह में रख के ऊपर से पानी पियेंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं है। पानी में डाल के जब वो थोड़ा फूल जाए वो पीना, और उसके ऊपर से एक गिलास पानी और पीना। कुछ लोग पूछते हैं साबुत इस्पगोल छिलके के साथ, फिर दोनों तरह से दोनों इस्पगोल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना हो सके बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें, जितना हो सके पास्ता बर्गर पिज्ज़ाज को अवॉइड करें, थोड़ी चहलकदमी अपनी रखें, फ्रूट्स को और सब्ज़ियों को छिलके के साथ इस्तेमाल करें, होल ग्रेन आइटम्स को इस्तेमाल करें, और वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। कब्ज़ का मसला ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएगा। एक और चीज़, हो सके तो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का इस्तेमाल करें। शुक्रिया।